नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो फ्री जो सिलाई मशीन है जो महिलाओं को दिया जा रहा है, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो पूरी वीडियो में कवर करूँगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना ताकि कोई भी स्टेप्स आप स्किप ना कर पाएँ, मतलब छूट ना जाए, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट और प्रोसेस की बात होती है फ्रेंड। इसमें यदि आप लेना चाहते हैं तो मतलब जो लेट महिलाओं को ही यहाँ पे मिलने वाली है, तो आपको करना क्या पड़ेगा पहले उसमें, यदि सिलाई मशीन आप लेना चाहते हैं, जो फ्री सिलाई मशीन की योजना है गवर्नमेंट की तरफ से, वो देश के कई महिलाओं को मिलना दिया जा रहा है, जिसके साथ आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी किया जाएगा उसमें, ताकि वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग भी होती है इसमें देने के बाद आपको दिया जाता है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस ये सिलाई मशीन के जो योजना है इन्होंने शुरू किया है, इसके मतलब इस योजना की आर्थिक रूप से जो महिलाएं जो कमज़ोर हैं, जिनको अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है, या जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या जो जिनके इनकम का सोर्स नहीं है, उनको क्या करते हैं सरकार की तरफ से कि उन्हें एक सिलाई मशीन दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके बाद वो इसके थ्रू अर्न करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसे मजबूत करते हैं। तो कमाई का जरिया एक मिल सकता है, देश के आर्थिक कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाने के लिए योजना का मतलब लाया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें आपकी जो उम्र है मतलब महिलाओं की जो उम्र होनी चाहिए वो 20 से 40 वर्ष की ही महिलाएं होनी चाहिए, तभी उनको दिया जाता है। अगर आप घर बैठे मुफ्त सिलाई मशीन लेना चाहते हैं और ये आपकी कमाई है, या अपने घर में महिलाओं को अपने मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, या उनको एक कमाई का जरिया जो है वो एक घर बैठे आप कमा सकते हैं, तो इसके लिए ये बिल्कुल आप सही वीडियो आपको देख रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन कर सकती हैं जिसे एक तो है, लेकिन आपको मेन जो मशीन है वो सिलाई मशीन है, वो मुफ्त सिलाई मशीन के लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है वो फॉलो क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आवेदन करने वाली महिलाएँ की उम्र न्यूनतम मतलब लगभग मिनिमम जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम जो सबसे जो मैक्सिमम है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा और बात करते हैं कि इस योजना का लाभ केवल जो है उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी जो है लगभग आप देख सकते हैं कि सालाना आय मतलब एक साल के उनका इनकम 1,20,000 रुपये से कम है, या 1,20,000 रुपये उनके इनकम होते हैं। तो याद रहे फ्रेंड, ये जो दो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जो इनकम है वो पूरे साल में 1,20,000 या उससे कम है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, और आपकी जो उम्र है वो 20 साल से लेकर के 40 साल तक होना चाहिए बस। तो इस योजना को केवल ग्रामीण महिलाएं के लिए ही शुरू किया गया है, तो गाँव में जो है उनका आप जब आप फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे डिटेल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गांव का ही एड्रेस होना चाहिए, शहरी विकास क्षेत्रों के लिए नहीं लाया गया ये योजना। इस योजना का जो अविवाहित क्षेत्र है मतलब जैसे अविवाहित हैं, जो विवाहित हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, तो हर तरह के महिला इस लाभ को उठा सकते हैं। दूसरी बात करें फ्रेंड की जो सिलाई मशीन है उसका लाभ कैसे मिलेगा, आपको ये अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं, एक आवेदन फॉर्म है वो उसे भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, पूरी जानकारी आपको देनी पड़ती है, और उस लिस्ट में जो नाम डिटेल है उन्हें सरकार के तरफ से सिलाई मशीन का ग्राम पंचायत मतलब गांव में वो आपको यहां पे कार्यालय में आपका सिलाई मशीन ग्राम पंचायत को ही डिलीवर किया जाएगा, जब आपका नाम आपको डिलीवर मतलब आपके नाम पे ये इशू जब हो जाएंगी। तो इस योजना के लिए एक महिला एक आवेदन ही कर सकती है, मल्टीपल आप नहीं कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, या एक साधारण सिलाई मशीन होगा, ऐसा नहीं कि आपको ऑटोमेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो, इस तरह का नहीं होगा, नॉर्मल जो सिलाई मशीन होता है वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन आपको इस सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके आप नॉर्मल से जो जो बेसिक होता है सिलाई करने का, बुनाई करने का, या कोई भी आप मतलब जो कपड़े से रिलेटेड है जो भी आप वर्क देखते होंगे वो करने का, वो आप घर पर बैठ करके खुद कमा सकते हैं, कुछ पैसे का इनकम हो सकता है इसमें। बात करें फ्रेंड की जो सिलाई मशीन है उसके पाने के लिए जो दस्तावेज है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो कौन सी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो जो आधार कार्ड है वो आपको ज़रूरी है, दूसरी बात है जो आई कार्ड, जो आधार आई का प्रमाण पत्र है, जो मतलब जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी जो मैं आपको बता दूँ आई जो सर्टिफिकेट है वो आप ऑनलाइन भी आप इसको बनवा सकते हैं, यदि आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिस स्टेट से,
उस स्टेट का नाम गूगल में लिखें, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लिखें, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड ये तो है कि आप इनकम सर्टिफिकेट किसी का भी स्टेट में रह करके अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कहीं भी ज़्यादा जाना जरूरी नहीं पड़ता है, आजकल ऑनलाइन भी बन जाता है इसमें। दूसरी बात करें निवास प्रमाण पत्र है, आप ग्रामीण सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, आवासीय जो सर्टिफिकेट होता है वो पता बनवा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, बेसिकली आपका आयु प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, जैसे कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होना चाहिए, कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, अगर कोई विधवा है तो उसकी विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर कोई विकलांग है तो उनका विकलांग सर्टिफिकेट जो होता है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट वो आपके पास मतलब होना चाहिए जो बिलोंग करते हैं इसमें। बात करें कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, फ्रेंड जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये मैं आपके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट इस सिलाई मशीन के जो पोर्टल हैं उस पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि जैसे ही इस पोर्टल पे आप जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ओपन हो जाता है अप्लाई फॉर सिंग मशीन स्कीम्स रजिस्टर वुमेन वर्क एट HBOCW बोर्ड। तो यहाँ पे हरियाणा बोर्ड के तरफ से ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगा है, मैंने हरियाणा बोर्ड को ही सिलेक्ट किया इसमें। यदि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप सर्च कर सकते हैं यहाँ सर्च बॉक्स में डाल करके। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, एक अप्लीकेशन फॉर्म आ जाए जिसमें आपको सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि नेम ऑफ द अप्लीकेंट फीमेल, और यहाँ पे एड्रेस आपको डिटेल, डेट ऑफ बर्थ जैसे एज है वो, कौन से कास्ट हैं, अंडर व्हाट रीजन ऑफ द स्विमिंग मशीन, आप कौन से रीजन के लिए ये मतलब आपको ऑफर मिलना चाहिए या योजना का लाभ उठा देना चाहते हैं, तो पुअर हैं, गरीब हैं, हैंडीकैप है, डिसेबल्ड वाइफ हैं, डिसेबल्ड विडो हैं, तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिया जाता है ताकि आप इसमें अप्लीकेबल जिसमें भी अप्लीकेबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करें फ्रेंड एनुअल इनकम है, जो मैंने बताया था 1,20,000 रुपये या उससे कम का होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पे जब आप फिलअप कर रहे हैं तो 1,20,000 या उससे कम का ही आप अमाउंट यहाँ पे डालें। ई स्विंग जो आपको बताया जाता है सिलाई मशीन वाज रिसीव्ड और नॉट प्रीवियसली, आपने कभी इससे पहले सिलाई मशीन लिया है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं ही क्लिक करना है, नो पे ही सिलेक्ट करना है इसको। फिर उसके बाद आपको बता दें कि जो यहाँ पे सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट जो है आपको नो यदि सिलेक्ट करते हैं तो फ्रॉम होम द स्केचिंग वाज ट्रेंड, आपको जो है ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिली थी इसमें। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको इंक्लूज करना है, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, आपको स्टेपल जो होता है वो आपको क्लिक करना है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपको फॉर्म यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट टू बी क्लोज, आप यदि फॉर्म यदि भर देंगे तो मस्ट भी आपको ये फिलअप करके जो डिटेल है एक इंक्लोज जो लिफाफा जिस तरह से बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, उसमें आप ये सारी डिटेल आप सबमिट करेंगे, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, इफ हैंडीकैप मेडिकल सर्टिफिकेट, इफ डिस्ट्रीब्यूट विडो सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इफ डिस्ट्रीब्यूट वाइफ सर्टिफिकेट, पुअर ऑफ नोइंग टेलरिंग, या प्रूफ ऑफ ने जो आप यदि आप कुछ जानते हैं टेलरिंग के बारे में तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पे अटैच करने हैं फ्रेंड। तो ये रहा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण डिटेल मैंने आपको बताया फ्रेंड इसमें कि आप कैसे सिलाई मशीन का लाभ ले सकते हैं, सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको जो मैंने ये साइट बताना है इस यदि पोर्टल पे आप जाते हैं जैसे सर्विसेज, आप डायरेक्ट गूगल में भी ये सर्च कर सकते हैं जो services.india.gov.in। तो यदि इस पे आप आते हैं ना तो आपको जैसे ही इस पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्टल ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो स्टेट में सिलाई मशीन योजना आप लिखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग मशीन स्कीम, ये आप लिखेंगे ना तो हर स्टेट का आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो सबसे प्रायर में यहाँ पे हरियाणा का दिख रहा था, मैं उसी के बेस पे आपको बताया हूँ फ्रेंड इसमें। तो आप यहाँ पे कोई भी जो स्टेट है वो स्टेट आप चेक कर सकते हैं, आपके स्टेट में ये योजना मिल रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको सबमिट कर सकते हैं क्लिक करके बाद। तो फ्रेंड ये वीडियो उनके लिए था जो सिलाई मशीन योजना का लाभ नहीं अभी तक जानते थे और नहीं उठा पाए, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल पे जा करके, और आपको
यहाँ पे इस स्कीम का लाभ मिल सकता है फ्रेंड। तो वीडियो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने भी सजेस्ट किया था कि सिलाई मशीन योजना के बारे में आप एक वीडियो कंपाइल करें बनाएं उस पर, तो मैंने उनके सब्सक्राइबर के मतलब इंटरेस्ट पे ये वीडियो को बनाया हूँ फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि गवर्नमेंट की हर योजना, गवर्नमेंट की जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरह की जो अपडेटेड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह की जो डिटेल है उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो यदि आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।